नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम विवेक है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं FD कैलकुलेटर के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी FD को कैलकुलेट कर सकते हैं और दोस्तों आप जान सकते हैं कि कितना जमा करने पर आपको मेच्योरिटी पूरी होने पर कितना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो देखते रहें। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पोस्ट ऑफिस की FD और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की FD के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो देखते रहें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसे लाइक करना भी ना भूलें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों FD को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक वेबसाइट को ओपन करना है जिसका नाम है FDcalculator.in। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर इसे ओपन कर सकते हैं। दोस्तों ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सिंपल सी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, FD अमाउंट, FD पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर दोस्तों इन ऑप्शनों को फिल करने के बाद आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले दोस्तों हम पोस्ट ऑफिस की FD के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सभी बैंक या पोस्ट ऑफिस में अलग अलग सबका इंटरेस्ट रेट होता है। सबसे पहले हम पोस्ट ऑफिस के FD के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें यहाँ पर अमाउंट भर लेते हैं, कितनी FD हम करना चाहते हैं। सबसे पहले 50,000 इसमें एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद दोस्तों FD पीरियड दे सकते हैं आप। यहाँ पर आपको पता होगा 5 साल की FD तक हम कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। बैंक में तो हम 10 तक ही कर सकते हैं, मगर जो दोस्तों पोस्ट ऑफिस होता है इसमें सिर्फ 5 साल की हम कर सकते हैं। तो इसमें हम 5 भर लेते हैं। आगे हम दोस्तों ईयरली करना चाहते हैं तो 5 साल के लिए हम ईयर कैलकुलेट कर लेंगे आगे। अब दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। यहाँ पर हमें इंटरेस्ट रेट डालना है जो इस समय पोस्ट ऑफिस में FD पर मिल रहा है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस में FD को हम टाइम डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं, तो मैं पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर चला जाता हूँ। यहाँ पर आपको बताता हूँ कितना इंटरेस्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर TD यानी कि टाइम डिपॉजिट कहते हैं FD को, दोस्तों हम टाइम डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर 5 साल के लिए FD करते हैं इस टाइम 7.4 का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो यहाँ पर हम 7.4 फिल कर देते हैं। दोस्तों आपको जानना बहुत जरूरी है कि अधिकतर पोस्ट ऑफिस में सभी बैंकों के मुकाबले सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है। तो दोस्तों आगे जो है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। यहाँ पर हमें 3 तरह के ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है और ईयरली है। तो किस तरह का मिलता है मैं आपको फिर से वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर दिखा हुआ है दोस्तों इंटरेस्ट पेबल एनुअली बट कैलकुलेटर क्वार्टरली। इसमें दिया गया है दोस्तों जो इंटरेस्ट जुड़ता है वो ईयरली के हिसाब से जुड़ता है, मगर जो कैलकुलेटर होता है वो क्वार्टरली के हिसाब से होता है, यानी तिमाही के हिसाब से होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर जाकर क्वार्टरली सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम कैलकुलेट पर क्लिक कर देना है। कैलकुलेट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर समरी जो आ गई है, यहाँ पर हमारा मैच्योरिटी अमाउंट आ गया है, यानी 5 साल के बाद कितनी हमें रकम मिल जाएगी। तो दोस्तों 0.7 यानी कि लगभग 70,000 के करीब हमें मिल जाएगी। इसमें टोटल इंटरेस्ट रेट बताया गया है लगभग 20,000 के समथिंग में इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। नीचे एक टेबल दिखाई दे रही है दोस्तों, आपको पता चल जाएगा किस हिसाब से आपका इंटरेस्ट इसमें ऐड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहले नंबर पर है अकाउंटिंग बैलेंस, हमने 50,000 की FD की थी। इसमें दोस्तों हमारे पहले साल में 3,804 का इंटरेस्ट रेट लगा। क्लोजिंग बैलेंस हो गया पहले साल का हमारा 253,804 रुपये हो गया। इस हिसाब से अगले ईयर में 253,804 से हमारा बैलेंस शुरू हुआ। इसमें जो इंटरेस्ट रेट लगा अगले साल हमारा वो 4,093 रुपये लगा। आगे दोस्तों क्लोजिंग बैलेंस हमारा इतना हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों ये चीज़ ऐड होती रहती है और जुड़ती रहती है। लास्ट में जो हमारा हो गया दोस्तों लगभग 72,142 रुपये हमें मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप आसानी से इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ संख्या हम चेंज कर लेते हैं। इसे 1 लाख रुपये की अगर हम FD करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपये में मैच्योरिटी पूरी होने पर कितने मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम 1 लाख फिल कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों समय वही सब कुछ रहेगा, अगर चेंज करना चाहे आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फिर से कैलकुलेट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम 1 लाख रुपये की FD करते हैं तो हमें मैच्योरिटी पूरी होने पर यानी 5 साल के बाद 1.4 लाख रुपये मिल जाएंगे, यानी कि हमारा 40,000 का इसमें इंटरेस्ट रेट जुड़ जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ थी जो मैंने आपको बताई है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ पोस्ट में सॉरी दोस्तों बैंक में किस तरह से हमें FD में इंटरेस्ट रेट मिलता है और कैसे हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों SBI की FD को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले इसका इंटरेस्ट रेट जानना होगा कि 2018 में कितना इसमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो दोस्तों मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको बता देता हूँ कितना इस समय इससे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो दोस्तों वेबसाइट ओपन होने में थोड़ा समय लग रहा है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कई तरह के स्लैब होते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के काउंटिंग में भी। हम दोस्तों 5 साल से 10 साल वाले देख लेते हैं। इस समय दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 28/2/2018 लिखा हुआ है, 6.5 का दोस्तों इस समय इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो 7 का है दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए, यानी कि जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है उनके लिए थोड़ा इंटरेस्ट अधिक मिलता है। तो आप दोस्तों यहाँ पर 7 फिल कर लेंगे अगर
सीनियर सिटीजन है यानी कि 60 वर्ष से आपकी उम्र अधिक है। तो दोस्तों चलते हैं फिर एफडी कैलकुलेटर पे। यहाँ दोस्तों 1 लाख की फिल रहने देते हैं अगर हमसे दोस्तों 10 साल के लिए कर लेते हैं, क्योंकि बैंक में हम SBI में 10 साल के लिए इसे कर सकते हैं। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों 6.5 का है, इसे हम फिल कर लेते हैं। तो इसे फिल करने के बाद दोस्तों जो कंपाउंड फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर भी क्वार्टरली ऐड होता है, तो इसके बाद हम कैलकुलेट पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों कैलकुलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा मैच्योरिटी अमाउंट आ चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 10 साल में हमारा अमाउंट लगभग डबल हो जाता है, यानी कि 1.9 लाख रुपया हो चुका है। इसमें दोस्तों 90,000 का हमें इंटरेस्ट रेट जुड़ चुका है। अगर आप दोस्तों कैलकुलेट करना चाहते हैं किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था ओपनिंग बैलेंस हमारा 1 लाख रुपये हो गया। पहले ईयर में दोस्तों हमारा 6,660 रुपये का इंटरेस्ट लग चुका, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया वो हमारा हो गया 1,06,660 रुपये हो गया है। इसी प्रकार से दोस्तों अगले 10 साल तक ऐड हो जाता रहता है, और जब हमारा मैच्योरिटी अमाउंट हो जाता है 10 साल के बाद जो मिलेंगे हमें 1,90,557 रुपये मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप इस वेबसाइट पर जाकर आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं किस प्रकार से हमें ये मिलने वाला है हमारा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप जान गए होंगे कैसे हम FD को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी अभी सवाल या सुझाव तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।